नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक होने पर ट्विटर ने बयान जारी कर दिया है। ट्विटर ने कहा है कि जैसे ही हमें पीएम मोदी के अकाउंट में सेंध लगने की जानकारी मिली, हम तुरंत सक्रिय हो गए। ट्विटर इंडिया ने बयान जारी करके बताया है कि हमारी अब तक की जांच से पता चला है कि समय तक किसी अन्य अकाउंट के प्रभावित होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे पास प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ कम्युनिकेशन के लिए 24 घंटे लाइनें खुली हैं। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि जैसे ही हमें इस हैकिंग गतिविधि के बारे में पता चला, हमारी टीम ने प्रभावित अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए। ट्विटर ने कहा कि हमारी अब तक की जांच से पता चला है कि समय तक किसी और अकाउंट के प्रभावित होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। सूत्रों के अनुसार अभी ट्विटर की आंतरिक जांच में यह पता चला है कि पीएम मोदी के अकाउंट में लगी सेंध ट्विटर के किसी सिस्टम में गड़बड़ी होने की वजह से नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट की हैकिंग की ट्विटर द्वारा की गई प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि इस पूरी प्रक्रिया में ट्विटर के आंतरिक सिस्टम का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था, जैसे कि उन्हें इस हैकिंग की जानकारी मिली। ट्विटर की सपोर्ट टीम ने तुरंत जांच की शुरुआत की। ट्विटर की जांच में यह भी पता चला है कि पीएम मोदी के अकाउंट की हैकिंग में पिछली बार से अलग पैटर्न फॉलो किया गया था। पिछले साल दुनिया के टॉप नेताओं का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया था। इसके लिए कोऑर्डिनेटेड सोशल इंजीनियरिंग अटैक का इस्तेमाल किया गया था। जांच रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रही है कि यह खास तौर का अटैक था जो किसी विशेष खाते को टारगेट करके किया गया था। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार भी इस हैकिंग का पता लगाने में जुट गई है। सरकार इस बात को जानने के लिए जुट गई है कि इस हैकिंग के पीछे कौन है और इसका मकसद क्या है। इसके लिए सरकार ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को इस काम में लगाया है और वो हैकिंग के सोर्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल @NarendraModi देर रात हैक किया गया था। रात के करीब 2:11 पर इससे एक ट्वीट किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है और सरकार भी 500 बिटकॉइन खरीद कर लोगों को बांट रही है। 2 मिनट बाद इस ट्वीट को हालांकि डिलीट कर दिया गया और फिर 2:14 पर एक ट्वीट किया गया, जिसे बाद में इसे भी डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।